जो फल का त्याग कर दे परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्मयोगी को कैसे जाना जा सकता है माधव? विद्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं, उसे दोहरी हानि होती है। एक तो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता, और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और बात जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है।